तो गाइस शिबेनु से डेली नए नए बिजनेस जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, साथ के साथ जो बड़ी बड़ी व्हेल अकाउंट है वो भी शिबेनु को परचेज करते हुए नजर आ रही हैं। अगर आज की यहां पर एक बड़े बिजनेस की बात करें या फिर एक्सचेंज की बात करें तो शिबेनु को एक बहुत ही बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया गया है जिसका नाम है बिटस्टैम्प, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बिटस्टैम्प लिस्ट शिबा इनू। हालांकि बिटस्टैम्प ने बहुत पहले से भी लिस्टिंग करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आने के कारण ये लिस्टिंग नहीं कर पाए थे और फाइनली यहां पर लिस्टिंग देखने को मिली है बिटस्टैम्प के ऊपर। साथ के साथ दूसरी गुड न्यूज़ की बात करो तो दूसरी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब की तरफ से। दरअसल में इन्होंने शिबा इनू को एज ए पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार किया है। यहां पर अगर और डिटेल में बात करो तो यहां पर एक ब्राज़ील में फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है साओ पोलो एफसी, तो इन्होंने अपनी टिकट्स के लिए शिबा इनू को एज ए पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार किया है। नाउ एक्सेप्ट शिबा इनू एंड क्रिप्टो करेंसीज एज पेमेंट फॉर टिकट्स, साओ पोलो ए प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब डेटिंग वे बैक टू 1930। यहां पर यानी आप शिबा इनू के बदले में आप बहुत सा मैच देख सकते हो यहां पर इनके जगह। चलिए इनका ऑफिशियल ट्विटर में आपको दिखा दे तो ऑफिशियल ट्विटर पर जो इन्होंने ट्वीट डालता, यू कैन यूज शिबा टोकन टू परचेज सॉकर टिकट साओ पोलो एफसी थ्रू बिटसो, और बिटसो तो आपको पता है भाई कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या फिर बोलो एक्सचेंज जैसे हमारा यहाँ पर पेटीएम या फिर गूगल पे टाइप में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भाई, यहाँ पर जो बर्निंग है वो लगातार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में की जा रही है शिबा इनू की, क्योंकि हर किसी को ये है भाई प्राइस बढ़ जाए किसी भी तरह, और शायद नेक्स्ट वीक में मे भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। सबसे पहले बर्निंग की बात करते तो लगभग 191 मिलियन शिबा इनू टोकन लास्ट 24 आवर में बर्न कर चुके हैं, और विद इन ए वीक यानी एक वीक की बात करते तो लगभग 1.10 बिलियन शिबा इनू टोकन्स हम बर्न कर चुके हैं, और जिसमें से बोन टोकन है 1159 बोन टोकन्स है, यानी यहां पर एक बड़ी मात्रा में बर्निंग लगातार जारी है। अगर बात करूं लास्ट आवर की भाई लास्ट बीते घंटे की तो उसमें लगभग 30 मिलियन शिबा इनू टोकन्स हम बर्न कर चुके हैं। साथ के साथ जो व्हेल अकाउंट है वो लगातार परचेज करते हुए नजर आई है, और यही कारण है भाई टॉप 2000 इथेरियम व्हेल्स की होल्डिंग में शिबा इनू नंबर 2 पे बना हुआ है। मतलब अभी भी होल्डर्स ने शिबा इनू को होल्ड करके रखा हुआ है, वो भी व्हेल्स अकाउंट में जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग कर रखी है शिबा इनू के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं शिबेरियम चेन की, क्योंकि हर किसी को ये लगता है भाई जो शिबेरियम चेन है यानी शिबा इनू की खुद की ब्लॉकचेन है वो सब बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन हर किसी को ये लगता है भाई वो नेक्स्ट वीक में रिलीज़ हो जाएगी, और उसी के ऊपर आप बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे, आपने बहुत सी न्यूज़ भी देखी होंगी, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी ऐसी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर भी एक यूज़र है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर शेयर किया भाई शायद शिबेरियम जो चेन है वो टेस्टिंग पर चल रही है और 2 दिनों के बीच में आपको मे भी दिखाई दे। चलिए मैं आपको नीचे यहाँ पर दिखा देता हूँ ट्वीट, और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 और 9 जून का यहाँ पर जिगर देखने को मिलेगा, यहाँ पर वी विल सी इट आफ्टर 8 जून। तो देखते हैं यहाँ पर शिबेरियम अपडेट में क्या कुछ देखने को मिलता है क्या नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर रिचमोंड, जॉन रिचमोंड को तो आप सभी भली बात ही जानते होंगे जो एक ब्रांड है यहाँ पर कपड़ों का, तो इन्होंने शिबा इनू के साथ पार्टनरशिप की थी। अब यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, शिबा इनू के लिए क्लोथ डिज़ाइन कर रहे हैं, और वो उनकी जो इमेजेस हैं वो रिवील की जा रही है, मतलब इमेजेस लीक हो गई हैं उनकी। चलिए मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ, देखिए इस तरह की कुछ इमेजेस हैं शिबा इनू को आप देख सकते हैं, लिस्ट टोकन को भी, और साथ में यहाँ पर लिखा है जॉन रिचमोंड, और यहाँ पर लिखा है लीजेंड्स लाइव फॉर एवर, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे रिचमोंड के, और यहाँ पर भी देख सकते हैं शिबा इनू रिचमोंड, मतलब इस तरह के कुछ ये वैरायटीज निकालेंगे शिबा इनू के टी शर्ट्स की, ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल इसको पाके घूमें, और जितनी ज़्यादा ये परचेजिंग की जाएगी जितनी ज़्यादा पाके घूमेंगे उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी शिबा इनू की। चलिए बात करते हैं मार्केट के, भाई आज क्या मार्केट में चेंज देखने को मिला, क्या शिबा इनू के प्राइस में चेंज देखने को मिला। तो गाइस मार्केट में अभी तक अच्छा खासा पंप देखने को मिल रहा है, आज ओवरऑल मार्केट 3 या 4% से अपवार्ड की तरफ ही रही है ऑलमोस्ट पे, क्योंकि थोड़ी सी गई थी 0.17% माइनस में, फिर से वो कमबैक कर गई थी। प्राइस की फिलहाल की बात करें तो लगभग 4% से अपवार्ड की तरफ है, बिटकॉइन की बात करें तो ये भी लगभग 4% से, इथेरियम की बात करें तो लगभग 4% से अपवार्ड की तरफ बना हुआ है। बात करते हैं शिबा इनू की तो शिबा इनू यहाँ पर लगभग 2% से अपवार्ड की तरफ है। रैंक की बात करते हैं 16 रैंक पर शिबा इनू अभी बरकरार है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको प्राइस ग्राफ दिखा देता हूँ, फिर नीचे चलेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम की तरफ। तो प्राइस ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा भाई आज मार्केट में अच्छा खासा खेल दिखाया, सिर्फ थोड़ी सी डाउन हुई थी लेकिन उसके बाद अच्छा खासा पंप देखने को मिला है, और प्राइस ने एक बार हाई पीक पे जब छू लिया तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो होल्डर्स थे उन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट किया अपना इंस्टेंट प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो इसीलिए जो प्राइस है फिर से थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है भाई हमारा प्राइस ज़्यादा होने के कारण, मतलब लगभग 2% प्राइस होने के कारण भी ट्रेडिंग वॉल्यूम
वॉल्यूम लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसका कारण है पूरे के पूरे जो मैंने अभी आपको न्यूज़ बताई है भाई, मे बी नेक्स्ट वीक में शिबेरियम भी आ सकते हैं और भी बहुत चीज़ें घट सकती हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है उसका, इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज आउट कर रहे हैं। तो आप भी परचेज कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के अपडेटेड वीडियो यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज़।